Hello students, today we are going to start second chapter of Indian economy, that is nature of Indian economy. इस चैप्टर में दो क्वेश्चन बनते हैं. एक तो है इंडियन इकॉनमी एज अंडर डेवलप इकॉनमी और सेकंड क्वेश्चन है इंडियन इकॉनमी एज डेवलपिंग इकॉनमी. तो जो इंडियन इकॉनमी है उसे हम अंडर डेवलप भी मान सकते हैं और डेवलपिंग भी मान सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि वेदर इंडियन इकॉनमी इज अ अंडर डेवलप्ड इकॉनमी और अ डेवलपिंग इकॉनमी, तो आप लोग उसको अंडर डेवलप भी लिख सकते हो, डेवलपिंग भी लिख सकते हो. पर क्या है कि अगर आप लोगों ने अंडर डेवलप इकॉनमी लिखा है तो आपकी जो फीचर्स लिखनी है वो अंडर डेवलप की लिखनी है. अगर आप उसे डेवलपिंग इकॉनमी लिख रहे हो तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन इकॉनमी एज डेवलपिंग इकॉनमी, फिर आप उसकी सारी फीचर्स लिखोगे. मीन्स आप अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन इकॉनमी एज अंडर डेवलप, तो सिर्फ अंडर डेवलप ही लिखोगे. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज़ अंडर डेवलप और डेवलपिंग, तो आपके पास चॉइस होगी कि आप इसे अंडर डेवलप भी लिख सकते हो और डेवलपिंग भी लिख सकते हो. तो आज हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी. तो इंडियन इकॉनमी एज एन अंडर डेवलप इकॉनमी हम कह सकते हैं कि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो स्टेगनेंट है. अंडर डेवलप क्यों है? क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं. ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 51 टू 2018-19 जो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज है सिर्फ 3% है, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया. तो हम कह सकते हैं कि स्टिल इट इज़ अंडर डेवलप इकॉनमी. लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम भी इंडिया का अभी बहुत कम है. जब हम इसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो आप देखोगे कि जो यूएसए है, यूएसए का पर कैपिटा इनकम 59,160, यूके का 40,600 और जबकि इंडिया का 1,790. तो अगर कंपेयर करें तो यूएसए का 60 गुना इतना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है इंडिया का 1,790. क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है तो हम कह सकते हैं कि इंडियन इकॉनमी अंडर डेवलप इकॉनमी है. इसके अलावा इंडिया का लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे है कि हम 90 एवरेज इनटेक ऑफ इंडिविजुअल इज 2,496 कैलोरीज पर डे. ठीक है, ये थोड़ी है कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे कितनी है 3,400 कैलोरीज पर डे. तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम है. ठीक है, एफिशिएंसी भी कम है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ कैलोरीज इनटेक कम है. तो उससे क्या है कि लोगों की डाइट बैलेंस नहीं है, तो जिससे उनकी एफिशिएंसी भी कम है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वो तो है ही है. इंडिया में अगर हमने पर कैपिटा इनकम ये देखी है तो हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पुअर है. इन इंडिया पुअरेस्ट 10% पॉपुलेशन गेट 3.6% ऑफ नेशनल इनकम. 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको टोटल इनकम का सिर्फ 3.6% ही मिलता है. ठीक है, तो इट में भी नोटेड कि मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इनइक्वालिटी, ठीक है, दे डोंट हैव एनी इनइक्वालिटी इन द वेल्थ, बट इंडिया में जो रिच पीपल हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं, जो पुअर हैं बहुत ज़्यादा पुअर हैं. यू कैन से देयर इज़ अ इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड वेल्थ. एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. इसके अलावा अगर अंडर डेवलप की फीचर देखें तो इंडियंस जो हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, लास्ट लेक्चर में भी किया था कि इंडिया की जो नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, बट इवन देन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 50% ऑफ द GDP. कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP बहुत ही कम है. क्यों कम है ये भी हमने किया था, ड्यू टू बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी बहुत कम है. हम लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डेवलप रहते हैं जबकि जो टर्शरी सेक्टर है उस पर ज़्यादा डेवलप होना चाहिए. ठीक है,
तो इंडिया की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये शो करती है कि इंडिया अभी तक पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। लो लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादातर डिपेंड होना चाहिए इंडस्ट्री पे, स्टिल वी आर डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंडिया में नहीं है। ऑल दो पोस्ट इंडिपेंडेंस मैनी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, शुगर, फार्मास्यूटिकल्स डेवलप हुई हैं, जेट जो बेसिक इंडस्ट्री हैं अभी तक ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी इंडिया में इतनी डिपेंडेंट डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, अभी भी इतनी इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी जो कंट्री है उसको फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटी, इंडिया में बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं है। अभी भी जो फार्मर्स हैं उनको जो है वहाँ शाहूकार वगैरह इंडिजिनियस बैंकर पे डिपेंड रहना पड़ता है। पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर डू नॉट गेट लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी एट द चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो लार्ज इनकम ऑफ फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर दैट गोज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स, मीन्स वो अभी तक इन डेट में है। जब भी उनको इनकम होती है पहले उनको अपने जो कर्जे हैं उनको वापस करना पड़ता है, उनको प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। लेस डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, वो भी इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर द पुअर फार्मर्स टू कैरी देयर फार्म प्रोड्यूस टू दी मंडीज। इतना भी हमारा मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं है कि उनको, मतलब पुअर फार्मर्स क्या करते हैं जो क्रॉप्स होती हैं वो उनको वहीं पे मिडल मैन को सेल करनी पड़ती हैं, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर क्रॉप्स इन द मंडीज। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जैसा कि हमने पहले भी किया था कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% पॉपुलेशन इंडिया में रह रही है, और अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो टोटल का सिर्फ 2.4% ही इंडिया में है। ठीक है, सो इन इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ वेरी लेस। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। इन दिसंबर 2015 नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो थे 969 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड किए गए, दे वर 4.35 करोड़। ठीक है, सो जिससे क्या है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, अब जो यूथ है पढ़ा लिखा तो है बट अनएम्प्लॉयड है, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो लेबर पावर है वो वेस्ट हो रही है, जिससे प्रोडक्शन कम हो रही है, जिससे पर कैपिटल इनकम कम हो रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लैक ऑफ कैपिटल, इंडिया में कैपिटल की भी कमी है, क्योंकि जो लोग हैं उनका सब्सिस्टेंस लेवल ही है, जितना वो कमाते हैं उतना उनके गुजारे के गुजारे जितना ही होता है, उनके पास इतना नहीं होता कि वो सेविंग करें, सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करें ताकि कैपिटल फॉर्मेट हो। सो देयर इज अ लैक ऑफ कैपिटल। अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, पर वो पूरी तरह से हार्नेस्ट नहीं है, मीन्स उनको पूरा यूटिलाइज नहीं किया जाता। टोटल रिसोर्सेज का सिर्फ 1/5 ही यूटिलाइज होता है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिससे एडवर्सली इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा इंडिया में फ्लड्स हो गए तो इन ये चीज़ें भी नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा नहीं यूज़ कर रहे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास उतने सोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। शॉर्टेज ऑफ एबल एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लेबर पावर भी है, पर वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो उनको यूटिलाइज कर सके, पूरे फायदा उठा सके। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, फैमिली सिस्टम हो गया, लॉ ऑफ सक्सेशन हो गया, तो ये जो सिस्टम है इसकी वजह से भी इंडिया पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा।
अब फैमिली सिस्टम हमारा ऐसे है कि हमने ज्वाइंट में रहना है, इकट्ठे रहना है, जिसकी वजह से हम जो है मतलब जॉब के लिए कहीं और मोबाइल करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फुली एम्प्लॉय नहीं हो पाते। देन लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल तो बहुत है, लो ग्रेड है। अब इसे लो ग्रेड क्यों कहा गया है? लो ग्रेड का मतलब है कि वो टेक्निकली डेवलप्ड नहीं है। अब अगर ह्यूमन कैपिटल इतनी लो ग्रेड होगी, मींस फुली डेवलप नहीं होगी, तो वो रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, इकॉनमी को डेवलप होने में टाइम लगेगा। पुअर टेक्नोलॉजी, इंडिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी पुअर है। अभी तक हम मतलब हमने इंडस्ट्री पहले भी किया, इंडिया में इंडस्ट्री तो डेवलप हुई है बट उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है अभी भी उसकी कमी है, जो मशीन्स है अभी भी हमें इंपोर्ट्स करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पुअर है। पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से हम कहते हैं कि इंडियन इकॉनमी अंडर डेवलप्ड है। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स दो तरह का स्ट्रक्चर है, एक तो हाईली डेवलप्ड सेक्टर है जिसमें हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लेते हैं, मल्टीनेशनल यूनिट्स लेते हैं जो कि पूरी तरह से डेवलप है। एक सबसिस्टेंस सेक्टर है जिसमें हम एग्रीकल्चर लेते हैं, स्मॉल बिजनेस लेते हैं जो सिर्फ इतना ही काम करते हैं जिससे वो सबसिस्ट कर सके। तो इंडियन इकॉनमी के मतलब पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज़ ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इंडियन इकॉनमी जो है वो हम कह सकते हैं क्या है कि अंडर डेवलप्ड है। अगला टॉपिक है अपना फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी एज अ मिक्स्ड इकॉनमी। नाउ द पॉइंट इज कि इंडियन इकॉनमी एक मिक्स्ड इकॉनमी है। हम कैसे कह सकते हैं कि इंडियन इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी है? क्योंकि इंडियन इकॉनमी में पब्लिक सेक्टर भी है, लाइसेंस सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। अब इंडियन इकॉनमी में पब्लिक सेक्टर, पहले तो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर में लिया गया था, अब जो पब्लिक सेक्टर में सिर्फ दो ही सेक्टर्स रह गए हैं, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, बाकी जो सारी इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई हैं। इवन अमंग रेलवे सम की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट जैसे हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फॉरेन लाइंस, ये जो है ये भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। तो पब्लिक सेक्टर है इंडिया में, अभी सिर्फ उसमें दो ही यूनिट्स आते हैं। इसके अलावा लाइसेंस सेक्टर है, वो कहता है कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, अब उसे भी लिबरल कर दिया गया है। ओनली 5 इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर द लाइसेंसिंग। कौन कौन सी 5 इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है? दैट इज़ अल्कोहल प्रोडक्ट, तंबाकू प्रोडक्ट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड हजार्ड्स केमिकल्स। इसके अलावा लाइसेंस और पब्लिक सेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे किस में आते हैं? प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास एंड फॉर प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो गवर्नमेंट ने क्या ऑप्ट किया? प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया। देन आ गया इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी स्टार्ट किया। देन डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फॉर द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल्स, उनकी सर्विस, उनकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कोऑपरेटिव सेक्टर को भी ओपन किया, इस्टेब्लिश किया। प्रोडक्शन रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, उनको भी रोज़गार मिल सके, तो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कुछ एरियाज रिजर्व्स कर दिए, ठीक है। तो एसएसआई सेक्टर में 2014 में 20 आइटम्स रिजर्व्स की गई थी, ठीक है। 15-16 में जो आइटम्स थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया, मीन्स वो स्मॉल और लार्ज यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी एज अ अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। अगली जो वीडियो है उसमें हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी एज अ डेवलपिंग इकॉनमी। तो इस चैप्टर में भी अपने दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस को हम
लर्न करेंगे, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।